पश्चिम बंगाल में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद भारतीय रेलवे की जीआरपी द्वारा मालगाड़ी के लोको पायलट और सह लोको पायलट के खिलाफ रेलवे अधिकारी द्वारा भेजी गई शिकायत और एक यात्री की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल शिकायतकर्ता के पिता ने बताया है कि उन्होंने तो ऐसी कोई शिकायत दी ही नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बेटी से सोमवार शाम रेलवे अधिकारियों ने एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए जब वो अपनी चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी। बताते चलिए प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि हादसे के कुछ ही घंटों बाद मालगाड़ी के मृत लोको पायलट और उसके सह लोको पायलट के खिलाफ सोमवार शाम को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया था कि ये शिकायत ट्रेन में यात्रा कर रही चैताली मजूमदार नाम की यात्री ने दाखिल करवाई थी। इस शिकायत में दुर्घटना का जिम्मेदार लोको पायलट और सह लोको पायलट को बताया गया था। शिकायत में लिखा गया था, ये दुर्घटना मालगाड़ी के लोको पायलट और सह लोको पायलट के जल्दबाजी और लापरवाही भरे आचरण के कारण हुई है। इस शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता चैताली मजूमदार कंचनजंगा एक्सप्रेस के S6 कोच में सीट नंबर 17 के साथ PNR नंबर 6137297904 पर न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह तक यात्रा कर रही थी। शिकायत में लिखा गया था, इस शिकायत में बताया गया था कि दुर्घटना के बाद चैताली बोगी से नीचे उतर गई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी है और फिर उसे इलाज के लिए रेलवे अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है इसी शिकायत के 24 घंटे से भी कम समय के बाद उसी शिकायतकर्ता यानी चैताली मजूमदार के पिता ने मालगाड़ी के पायलटों के खिलाफ रेलवे पुलिस को कोई भी शिकायत देने से इनकार किया है। चैताली के पिता ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान चैताली से एक कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर लिए गए थे। उन्होंने कहा, वो दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन में यात्रा कर रही थी, वो स्वयं घायल हो गई थी और उसका इलाज अस्पताल में किया गया। ट्रेन के अंदर बैठे बैठे उसे कैसे पता चलेगा कि दुर्घटना किस कारण हुई है और कौन जिम्मेदार है? उसे कैसे पता चलेगा कि मालगाड़ी का ड्राइवर जिम्मेदार है? RPF और पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया, बस इतना ही। शिकायत फर्जी और निराधार है। बताते चलिए रेलवे की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि प्रथम दृश्यता में ये पाया गया है कि दुर्घटना लोको पायलट और सह लोको पायलट की लापरवाही के कारण हुई है। कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है, दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है। गौरतलब है ये आरोप तब लगाए जा रहे हैं जब लोको पायलट और सह लोको पायलट दोनों ही अपनी आत्मरक्षा के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। इस हादसे में दोनों ही अपनी जान गंवा चुके हैं। बताते चले ये बयान सामने आने के बाद ये बात भी सामने आई थी कि सोमवार को 14 किलोमीटर ट्रैक पर स्वचलित सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। और अब कथित शिकायतकर्ता की ओर से ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों का कहना है कि रेलवे अपनी लापरवाही का बोझ उस लोको पायलट और सह लोको पायलट पर डाल रहा है जो अभी जिंदा तक नहीं है। ऐसा करने से क्या हासिल होगा? एक यूजर ने लिखा, तो अब मरे हुए लोगों पर होगी FIR। एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या ये सच है? लोको पायलट के खिलाफ FIR कैसे दर्ज की गई जो पहले से ही मर चुका है? और उस स्टेशन मास्टर के बारे में क्या कहेंगे जिसने ट्रेन को बिना सिग्नल के चलने की अनुमति दी? क्योंकि जितना मुझे पता है सिग्नल सुबह से काम नहीं कर रहा था। एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसा केवल भारत में ही होता है। अधिकारी जिम्मेदारी लेने की बजाय इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं।